इस वक्त हम मौजूद हैं लोहरदगा में और लोहरदगा का ये व्हाइट हाउस इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू का आवास है और इनके कई ठिकानों से जो करोड़ों में कैश मिला है उसे लेकर ये काफी चर्चा में है लोहरदगा भी और ये व्हाइट हाउस भी। और आज भी यहाँ आईटी की टीम पहुंची हुई है, 10 से 15 की संख्या बताई जा रही है और वो भी यहाँ छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं क्या कुछ अंदर चल रहा है, इससे लोहरदगा की सियासत में कितना असर पड़ रहा है और किस तरह से आगे तफ्तीश जा रही है। लोहरदगा से हमारे सहयोगी दानिश भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, अचानक से लोहरदगा पूरे देश की राजनीति में छा गया है, मीडिया की सुर्खियाँ बन गया है, आज भी यहाँ आईटी की टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ और अंदर चल रहा है? जी बिल्कुल, आज आईटी की टीम यहाँ पहुँची है और लगभग 11 बजे आईटी की टीम जियो सर्विलांस के साथ पहुँची है और यहाँ पूरे घर में जांच चल रही है कि कोई जमीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ है या कुछ, जिस तरह से जांच हो रहा है, पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस तरह से यहाँ पे जांच चल रही है, किस क्या खुदाई हुई है या नहीं हुई है। किसी तरह सेंसर मशीन तो आई थी और उससे सारे जमीन में उस गाड़ी को चलाया गया। जी बिल्कुल, पूरे पूरे घर में चल रहा है, अभी कुछ देर पहले बाहर ही जो बरामदा देख रहे हैं आप यहाँ पे, वहाँ पे पूरे एरिया में चलाया गया वो सेंसर, जिसके बाद फिर वो अंदर चला गया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, फिलहाल अभी तो जांच रेगुलर 11 बजे से लगभग जारी है। तो परिवार वाले हैं यहाँ या फिर सब रांची में? अभी तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई परिवार वाले के साथ ही आईटी की टीम। आप यहाँ पर रहते हैं, गार्ड हैं आप? हाँ जी। यहाँ परिवार वाले हैं? सब रांची में हैं। तो क्या किसी को लेकर आईटी की टीम पहुंची है या फिर सिर्फ एक परिवार साथ में आए? एक कौन आया है? संजय साहू। अच्छा, ये कौन है? धीरज साहू के भाई है। अच्छा, भतीजा है। भतीजा है, उनके साथ आई है टीम। तो क्या यहाँ कागजात खंगाल रही है, घरों की तलाशी ले रही है? नहीं, हम लोग बाहर है। अच्छा, अंदर आप लोग को जाने नहीं मिल रहा है? कितने देर तक चलेगी ये छानबीन? बाहर का स्टाफ है, गार्ड है। अच्छा, तो संजय साहू के साथ यहाँ पर टीम पहुंची है, परिवार वाले यहाँ नहीं है, सभी रांची में हैं और अंदर पूछताछ हो रही है, छानबीन चल रही है, क्या हो रहा है ये अभी फिलहाल खुलासा नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि सेंसर के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जमीन के अंदर तो हीरे जेवरात या फिर कुछ ऐसी बहुमूल्य चीज़ें दबाकर नहीं रखी गई हैं, क्योंकि बहुत सारी नकदी मिली है और ये आंकड़ा 400 करोड़ के पार भी जा सकता है। फिलहाल अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है और एक बार फिर से आईटी की टीम यहाँ ये व्हाइट हाउस पहुँची है जो सांसद धीरज साहू का आवास है, पुश्तैनी आवास है, और यहाँ पर ये भी कोशिश की जा रही है जानने की कि कहीं ज़मीन के अंदर खजाना तो नहीं गाड़ के रखा गया, क्योंकि अकूत संपत्ति का पता चला है और आईटी का सर्वे चल रहा है अलग अलग ठिकानों पर। यहां पर भी आईटी की टीम पहुंची है, 10 से 15 की उनकी संख्या बताई जा रही है और संजय साहू आईटी की टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। परिवार के बाकी सदस्य यहाँ नहीं हैं, लेकिन एक सदस्य के साथ जो धीरज साहू के भतीजा हैं उनके साथ आईटी की टीम पहुंची है और पड़ताल की जा रही है। रांची स्थित ठिकाने पर भी ये खबरें मिली कि वहां भी आईटी की टीम सेंसर मशीन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि जमीन के अंदर भी क्या कुछ रकम या फिर जेवरात छुपाकर तो नहीं रखे गए हैं, जो आईटी विभाग की जानकारी आईटी को नहीं है। और हमने आप लोगों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह वो मशीन अंदर जा रही थी जिससे ज़मीन के अंदर से वो सेंसर के जरिए पता लगा सके कि ज़मीन के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। यहाँ भी उस मशीन को लाया गया है, नोट गिनने वाली मशीनें फिर से लाई गई हैं और अभी भी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं, कुछ और जानकारी मिल सकती है आईटी की टीम को और लगातार ये जानकारी हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। अलग अलग ठिकानों से जो बरामदगी हो रही है कैश की और जेवरात की। ऐसा वो कौन सी मशीन थी? नहीं।